स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका आंसर की के ऊपर, ठीक है। कैसा आपको आंसर की चेक करनी है, कैसा ऑब्जेक्शन रेज करने है, ठीक है, सारी चीजों के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, कुछ भी नोटिस आती है सीईटी सेल की तरफ से रिगार्डिंग इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी एडमिशन, तुरंत वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है। तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र के हर एक कॉलेजेस कवर होने वाले, हर एक कॉलेजेस का कैंपस में फैकल्टी मेस, वहां पे आपका हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, कितने की नौकरी लगेगी आपकी, अगर आपने कितनी फीस भरी तो कितना रिटर्न आपको मिलेगा, सारी चीजों के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक, ठीक है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो समझना होगा आपको कि इस टॉपिक की जरूरत भी क्या है, ठीक है। जानना होगा आपको कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक हमें क्यों जानना है, तो बेसिक आपको रीजन समझना होगा। आपका जो कॉलेज में एडमिशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ठीक है। आपकी रैंक चेक की जाती है, कौन सी रैंक देखी जाती है, बहुत तरीके की रैंक होती है, ठीक है। पहले तो आपकी स्टेट रैंक होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंक निकलती है, उसके बाद आपकी कैटेगरी रैंक निकलती है, ऐसे चार पांच टाइप की आपकी रैंक्स होती है। तो किसमें से आपका एडमिशन होगा, वो आपका सबसे प्रायोरिटी दी जाती है स्टेट लेवल रैंक के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल में नहीं लगता तो आपकी यूनिवर्सिटी में चेक किया जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं निकला लगता तो आपकी कैटेगरी में चेक किया जाता है। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन आपकी रैंक को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ आपको, परसेंटाइल वर्सेस रैंक बताने वाला हूँ। कौन सी रैंक बताने वाला हूँ मैं, स्टेट रैंक बताने वाला हूँ, क्लियर बात है। हर एक बच्चे को नोट डाउन कर लेना है इस बात का, ये बात आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभी तक सिर्फ आपका 50% काम हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है, ठीक है। अभी सिर्फ आपने एग्जाम दिए, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है। 50% काम अभी आपका स्टार्ट होगा, जो है एडमिशन प्रोसेस को समझना, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉलेज लिस्ट बनाना, क्योंकि एडमिशन आपका होता है कॉलेज में ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज लिस्ट। अगर आपने कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई, तो आपने कितने भी अच्छे परसेंटेज स्कोर किए तो भी उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटेज थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज लास्ट मोमेंट पे अच्छे से की, कॉलेज लिस्ट। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत ज्यादा परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज गलत की, कॉलेज लिस्ट, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं, तो काउंसलर से आपको कॉलेज लिस्ट बना लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग की लिंक मैंने डाल दी है, ठीक है। तो जिनके परसेंटाइल अभी कम आ जाएंगे तो उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है, अभी सिर्फ आधी जर्नी हुई है बेटा, आधी जर्नी बाकी है। और इसमें आपने अच्छा कर लिया तो आप बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाओगे। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, तो ज्यादा खुश मत होना बेटा, आधी जर्नी अभी भी बाकी है, क्लियर बात है, ठीक है। टारगेट कॉलेजेस की बात करूं तो सीओईपी, थोड़ा डीजे संगी, गवर्नमेंट कॉलेज, वीआईटी, डीवाई पटेल, एमआईटी, सीएचएसएम, एसपी आईटी, ये हमारे टारगेट कॉलेजेस है। हर साल न्यूटन एडुकेटर्स के सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक होता है हर साल, ठीक है। तो जल्द से जल्द एनरोल कर लेना, जिंदगी का सवाल है आपकी, ठीक है। एक डिसीजन गलत ले लिया तो आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। परसेंटाइल वर्सेस रैंक की बात करते हैं, अगर आपकी परसेंटेज 91 से लेके 100 तक आती है तो आपकी रैंक आएगी 19,000 से लेके 1। समझाता हूं मैं, अभी आपको परसेंटेज तो पता नहीं, तो आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटेज में बता देता हूं, उसके बाद हम रैंक पे आते, चलेगा, वैसा चीज कर लेते। नहीं तो पहले परसेंटाइल वर्सेस रैंक समझ लेते, उसके बाद मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता देता हूं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 100 से लेके, नीचे से पकड़ो, 100 से लेके 91 तक आते हैं, तो आपकी रैंक क्या आएगी, 1 से लेके 19,000 तक, मतलब 1 रैंक किसकी आएगी, 100% वाले की, ठीक है। उसके बाद 19,000 रैंक किसकी आएगी, 91% वाले की, ठीक है। तो बीच में वैसे वैरी करेंगे, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 90 से लेके 81 तक अगर आपके परसेंटेज आते तो आपकी रैंक आएगी 19,001 से लेके 30,000 तक। अगर आपकी परसेंटाइल 80 से लेके 71 तक आती है तो आपकी रैंक आएगी 30,000 से लेके 40,000 तक। रैंक अगर आप परसेंटाइल अगर आपकी 70 से लेके 61 तक आती है तो आपकी रैंक आएगी 40,001 से लेके 47,000 तक। अगर आपकी परसेंटाइल 60 से लेके 51 तक आती है तो आपकी रैंक आएगी 47,000 से लेके 53,000 तक। अगर आपकी परसेंटाइल 50 से लेके 41 तक आती है तो आपकी रैंक आएगी 53,000 से लेके 59,000 तक। तो ये हो गया आपका रैंक का जो मतलब बेसिक जुगाड़, ठीक है, कि इतने मार्क्स पे, इतने परसेंटेज पे आपकी इतनी रैंक बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ रही होगी, ठीक है। अभी बात करते रहते हैं कि आपके परसेंटाइल कितने आएंगे मार्क्स के हिसाब से, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस में ये चीज बता दी है, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ये चीज। तो बात कर लेते हैं अभी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ,
ठीक है। तो अगर आपके 160 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप 99.50 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो, 150 प्लस आते हैं तो 99 प्लस, 130 से ज्यादा लाते हो तो 98 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो, 110 से ज्यादा लाते हो तो 96 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो, और अगर आप 100 से लेके 95 तक मार्क्स लाते, 100 मार्क्स से ज्यादा लाते हो तो आपकी 95 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाते हो तो 92 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 85 प्लस मार्क्स लाते हो तो 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 70 प्लस मार्क्स लाते हो तो 85 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 60 प्लस मार्क्स लाते हो तो 80 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 50 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपके 75 प्लस परसेंटाइल होंगे, 40 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपके 60 प्लस परसेंटाइल यहां पे बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर बात है, आई होप आपको चीजें समझ रही होगी। ठीक है, तो ये था आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, अभी आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक समझ गया। ठीक है, ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताया मैंने, ये एवरेज शिफ्ट के लिए बताया, मीडियम शिफ्ट के लिए, डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए क्या होगा, थोड़ा सा परसेंटाइल आपके और बढ़ जाएंगे, इजी शिफ्ट के लिए क्या होगा, परसेंटाइल इसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, प्लीज आप वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। ठीक है, हर बच्चे को बेस्ट कॉलेज में पहुंचाना है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को बेस्ट कॉलेज में पहुंचाना है, ये एक एम है जिंदगी का। ठीक है, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुनते हैं, मैम को सुनते हैं, ठीक है, तो उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उसके लिए महाराष्ट्र की नंबर वन काउंसलिंग टीम हायर की है, ठीक है, जिनकी फीस अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस मैंने उनको देकर उनको इस काउंसलिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, ताकि आपकी मदद हो सके, लास्ट चार साल से जो COEP VGTR वार्जन PSET VIT के जिसमें कॉलेजेस में बच्चे जा रहे तो उनके बदौलत जा रहे। ठीक है, वहां पे मेरा रोल बहुत कम है, सारा रोल उनका है, वो कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाते हैं, आपकी कैटेगरी पहचानते, पहले तो आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कौन कौन से आपको कॉलेजेस अच्छे लगेंगे, ठीक है, ब्रांच पूछते हैं आपको, कौन सी ब्रांच में जाना है, तो सारी फैक्टर्स आपको पूछ के एडमिशन होता है। ठीक है, तो प्लीज आप उनसे एक बार डिस्कस कर लेना, काउंसलिंग फॉर्म जल्द से जल्द भर देना, सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब करने के पीछे मैंने आपको ऑलरेडी रीजंस बता दिए। ठीक है, तो खत्म करते मैं वीडियो को, और खत्म करता हूँ मैं वीडियो को, ठीक है, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आंसर की के ऊपर, आप ऑब्जेक्शन कैसे रेज करोगे उसके ऊपर वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।